तो भाई आज जो है ना अपन माइलेज टेस्ट करने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। पहले भी जो है मेरे पास आई थी तब भी अपन ने इसको चलाया था, बट माइलेज टेस्ट तब नहीं किया। ओहो बारिश आ गई, चलो कोई नहीं भाई, बारिश में अपन इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। इसके अंदर जो है ना आपको 2755 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, चाहे 4x2 हो चाहे 4x4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप हाईवे पे चल रहे हो, क्योंकि आपको चलना है 4x2 में, तो माइलेज जो है गाड़ी सेम ही देगी। तो आज जो है ना मैं इसको 200 से 250 किलोमीटर चलाने वाला हूँ दिल्ली से जयपुर, और देखूँ भाई ये जो गाड़ी है ना क्या माइलेज मेरे को देती है, वही 80-100 के आसपास। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी जो ना फिलिंग स्टार्ट हो गई है और हाफ से ऊपर टैंक साइज का, थोड़ा बहुत मतलब वही 60% के आसपास समझ लो। एंड अभी इसका लगभग 24-25 लीटर तो आ भी चुका है, ऑटो कट भी नहीं किया, ऑटो कट के बाद भी इसमें बहुत आएगा। ये देखो ऑटो कट अभी किसने किया है 27 लीटर पे, अभी और देखते कितना डीजल इसके अंदर आता है। बिल्कुल ऊपर तक ही कराएंगे जैसे हमेशा कराते हैं अपन, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल ऊपर तक फिल कराएंगे। 28.5 लीटर के आसपास जो है आ गया और आ ही रहा है अभी भी, ये देख लो अभी तो और आएगा काफ़ी। तो ये देखो बिल्कुल ऊपर तक हो चुका है, ये देखो ठीक है बिल्कुल ऊपर तक। अब ऐसे ही जो है ना अपन कराएंगे, जब चला लेंगे इसको 200-250 किलोमीटर फिर पता चलेगी कि गाड़ी की जो एग्जैक्ट माइलेज है ना वो क्या निकली है। तो अभी जो ना मैं ट्रिप वगैरह रीसेट कर लेता हूँ, उससे पहले आपको बता दूँ कंप्लीट ट्रिप में जो है ना एसी ऑन रहेगा एंड 25 पे मैंने टेम्परेचर सेट कर रखा है, ये तो ऊपर नीचे चलो होता रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मोस्टली लोग इसको ऑटोमेटिक में लेते हैं, दैट्स व्हाई ऑटोमेटिक का माइलेज टेस्ट अपन कर रहे हैं। 61,000 ये चल चुकी है, तो काफ़ी किलोमीटर चल रखी है गाड़ी और अच्छी खासी चल रखी है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई है या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो उस हिसाब से, क्योंकि इसके ना बहुत सारे कोई अपडेट नहीं आए, वही सेम ही चल रहा है यही जनरेशन, तो उस हिसाब से इसका अपन जो है माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है ना आपको बता दूँ इसकी जो ट्रिप है ना उसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, वैसे तो रीसेट ही है बट मैं एक बार और यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ इसको। चलो रीसेट ये 0.0 ही है और फुल हो चुका अपना टैंक। और रेंज बताता हूँ गाड़ी कितनी रेंज दिखा रही है, 858 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और ट्रिप जो है यहाँ पे तो चलो माइलेज अपन ने रीसेट कर ली, ट्रिप कहाँ पे आएगी यार इसके अंदर मैं देख लेता हूँ एक बार। अब फॉर्च्यूनर में जब ट्रिप रीसेट करते हो ना तो ये बटन भूल जाना भाई, फिर ये जो ना नोप यहाँ पे काम आएगी, तो मैं जो ना इस नोप से ही जो है रीसेट करूँगा ट्रिप। ये देखो ट्रिप ए रीसेट कर लेता हूँ, तो ट्रिप ए पे ही जो अपन चलेंगे। और अभी निकलते हैं यहाँ से गुड़गांव से, टाइम हो रखा है 4:30, जाम वगैरह गुड़गांव का अच्छा खासा मिलेगा एंड उस हिसाब से क्या माइलेज मिलेगी वो भी अपन आपको बताएंगे, जैसा भी जो भी सिचुएशन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जी करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के बाद भाई मैं जो है हाईवे पे चढ़ चुका हूँ, ये है मुंबई एक्सप्रेस वे, नहीं सॉरी द्वारका एक्सप्रेस वे, बट यही जो आगे ले जाके अपने को मुंबई एक्सप्रेस वे पे जोड़ देगा। बस बीच में जो है ना खराब रोड भी आएगा, ट्रैफिक भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। बाकी भाई आप ये गजब का वेदर जरूर देखो यार, गाड़ी तो अपन डेली देखते हैं बट ये जो सामने कंप्लीट सिनेरियो बन रहा है ना खतरनाक, बादल उसके नीचे फिर सनलाइट और गजब का जो है माहौल बन रखा है। बाकी 3 किलोमीटर के बाद ही हम जो इस हाईवे पे चढ़ चुके हैं, जो माइलेज है वो 9.4 की शो कर रहा है फिलहाल, और जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही माइलेज पे फोकस करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और अभी जो ना लगभग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, 10 किलोमीटर में इसने 14.5 की माइलेज निकाली है, कब, जब मैं 70-80 की स्पीड में चला हूँ इस द्वारका एक्सप्रेस वे पे तब। अब जब अपन मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे ना तब जो है ना गाड़ी माइलेज ड्रॉप करेगी, वो कैसे, क्योंकि वो इतना बढ़िया हाईवे है, वैसे तो थोड़ा वो टूट गया बट फिर भी वो क्या है ना कि जैसे इसमें टोटल 3-4 लेन है, उसमें जो है उसमें भी इतनी है बट उस पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ पे 100-120 की तो लिमिट है, तो 100-120 पे तो बंदा चलता ही है, तो हो सकता है वहाँ जाके ड्रॉप हो जाए माइलेज। बाकी इस गाड़ी के लिए आई डोंट थिंक कि उतना कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि ये अभी मे बी जिस भी गियर में चल रही है 80 की स्पीड में 1500 RPM पे चल रही है, और यदि इसको मैं मैनुअल में डाल दूँ, ये देखो 4, 5, 6 में अभी ये शिफ्ट कर दी मैंने स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब देखो आप लोग 1500 RPM पे 90 की स्पीड में चल रही है, तो देखो RPM तो फॉर्च्यूनर जो ना अच्छे ही हैं, इंजन जो है ना काफ़ी रिफाइन है। वापस 7 ऑटोमेटिक में डाल लेते हैं, सिर्फ RPM दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। तो 100 की स्पीड ये 2000 RPM से भी कम में ही जो है चलेगी, चलो 100 पे और चला के बता देता हूँ। तो अभी जो ना मैं 100 की स्पीड में चल रहा हूँ और जो RPM है वो 2000 पहुँचे भी नहीं है, लेट्स सी 2000 RPM पे कितनी जाती है। सो 2000 भाई ये जो है ना लगभग 110-115 के आसपास करेगी, कोई नहीं आगे चेक कर लेंगे वो सब। तो अभी जो ना बड़े ही ख़राब रोड में हम चल रहे हैं और यहाँ पे अपनी माइलेज ड्रॉप होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि रोड जो ना बड़ा ही ख़राब है, आपने देखा होगा जो मुंबई एक्सप्रेस वे से अपन और वाटिका वाली इस रोड पर चलते हैं ना, तो रोड बड़ा ही ख़राब है और बीच में रेड लाइट पर थोड़ा बहुत जाम भी था,
बट वो तो अपन ने साइड से ऑफ रोड करके कर लिया क्रॉस। बाकी ये देख लो 15.5 की माइलेज तो इसने अभी भी मेंटेन कर ही रखी है। तो भाई ये डीजल इंजन इतने रिफाइन होते हैं, जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो निकालने वाला चाहिए बस माइलेज, बंदा आराम से निकाल सकता है। बाकी यार जिस हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट है ना, उस हिसाब से आपको लाइक वो वाली फील आएगी नहीं इसमें कि ये भगाने वाली गाड़ी है। भगाने वाली नहीं है, बड़े ही प्यार से आराम से चलाने की गाड़ी है। बाकी यहाँ पे जो ना तीन मोड्स है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, लेकिन मैं जो ना भाई प्रेफर करता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है ना तो गाड़ी दब के चलती है और फ्री फ्लो चलती है, तो माइलेज जो ना नॉर्मल में ज़्यादा अच्छी मिलती है। फिलहाल ये वाटिका चौक है गुड़गांव का, और यहाँ से अपन ले लेंगे राइट, उसके बाद चढ़ जाएंगे भाई ऊपर ये सोना एक्सप्रेस वे पे, देन अपना मुंबई एक्सप्रेस वे, एंड देन जो माइलेज आएगी वो भाई ज़बरदस्ती आने वाली है। या तो इसकी MID गलत बता रही है, या फिर भाई हम गलत हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो है सीन। तो लो जी पहुंच गए अभी अपने सोना एक्सप्रेस वे पे, 24 किलोमीटर गाड़ी चला ली, 14.6 अभी आपके सामने गिर गई माइलेज, क्योंकि जब अपन जीरो से गाड़ी को उठाते हैं ना तो RPM थोड़े हाई रहते हैं और ये लगभग 80 की स्पीड तक माइलेज ड्रॉप ही करेगी। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट स्पीड में जब आप इसको क्रूज करते हो ना, देन दो माइलेज अब अगेन बढ़ती जाएगी आपकी। ये देखो अभी 14.5 हो गया ना, अब ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सप्रेस वेज पे जो है ना माइलेज बढ़ती है। लोकल में ये गाड़ी 9-10 से ज़्यादा नहीं देती, बट अपन चेक कर रहे हैं कि हाईवे पे क्या माइलेज देती है। यदि आप भी नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ में प्लान कर रहे हो कि भाई आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, या फिर भाई कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ पे प्लेन एरिया है, पहाड़ों में आप नहीं चढ़ रहे, तो ये गाड़ी क्या माइलेज दे सकती है, लेट्स फाइंड आउट टुडे। सो फाइनली मुंबई एक्सप्रेस वे अभी चढ़ जाएंगे अपन, और ये देखो भाई जो तीन लाइन थी वो डायरेक्ट 5 लेन बन चुकी है सामने, और माइलेज दिखाऊं क्या दे रही है अभी गाड़ी। ये देखो 15.7 की माइलेज अभी तक अपने को मिल रही है, तो इससे ज़्यादा ही माइलेज कर लेंगे अभी इस मुंबई एक्सप्रेस वे, इस पर जो ना माइलेज बढ़ जाएगी अपनी, लेट्स सी कितनी बढ़ पाती है। बाकी क्रूजिंग स्पीड में अभी लगभग 100 के आसपास रखूँगा, अभी तक तो वही 80-90 कभी 70 भी थी, लेकिन अब जो ना अपन खुल के चला सकते हैं गाड़ी को। तभी तक जो सब बढ़िया चल रहा था, मतलब बढ़िया ड्राइव जा रही थी, अब जो है ना भाई आके जो फुल वाला जो अपना वो डंडा होता है ना वो गिरने लग गया है, दिखाता हूँ आपको। तभी जो ना 153 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और ये जो फुल वाला जो है ना ये बार ये अब डाउन जा रहा है, देखो धीरे 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 नीचे की तरफ ये जा रहा है, तो अब जो है ना ये धीरे धीरे नंबर लग जाएगा इसका। अभी तक तो सब बढ़िया ही था। बाकी एम्बियंट लाइट देखो यार, आप फॉर्च्यूनर में काफ़ी बढ़िया लगती है साइड्स में ना, ये सिर्फ लेजेंडर में ही आती है और काफ़ी प्यारी लगती है रात में जब गाड़ी चलाते हो ना। तो सो ओवरऑल अभी तक जो माइलेज है वो अपने को मिली है 16.2 की, एंड 154 किलोमीटर के बाद जो है इसका जो लाइक मीटर है फ्यूल मीटर वो अप डाउन होने लगा है, अभी तक जो है ये हिला भी नहीं था। 50 किलोमीटर बचा है भाई जयपुर यहाँ से, और मैं दिखा देता हूँ आपको माइलेज अगेन बढ़ चुकी है जैसे ही सिटी में एंटर किए ना, तो यहाँ पे क्या 70-80 के आसपास जो अपन चल रहे हैं सिटी तो क्या मतलब, बट ये थोड़ा लोकल रोड सा आ गया, और 16.5 माइलेज हो गई है हाईवे पे, 15.79 तक चली गई थी लेकिन अब वापस से बढ़ गई है, और 233 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं। तो देखूँ अभी 20-30-40 किलोमीटर बाद, लाइक 250 किलोमीटर के बाद जो है ना अपन देखते हैं कि कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो मैं BP वाले पेट्रोल पंप से ही फुल करा लूँगा, एंड देन आपको दिखाता हूँ कि क्या माइलेज निकलती है। भाई यदि 15 भी दे दी ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि वर्थ इट है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा इंजन और इतनी बढ़िया माइलेज दे दे तो क्या ही कहना। नाउ वी आर इन जयपुर, और जो होटल है ना वो तो 6-7 किलोमीटर बचा है, बाकी डिटेल्स देख लो भाई। 277 किलोमीटर लगभग 4-5 घंटे लग गए हमें, और 16.6 की माइलेज इसने दी है, और फ्यूल का एक काटा जा चुका है। तो ये लो जी पेट्रोल पंप भी मिल गया है, अब यहीं आता हूँ आगे से यू टर्न मार के। तो ये देखो भाई 16.5 की माइलेज शो कर रहा है 278 किलोमीटर में, अभी जाके मैं फुल टैंक कर रहा हूँ, अभी जो ना फिर से ऊपर तक कराएंगे बिल्कुल जैसे पहले कराया था वैसे ही, देखते हैं ऑटो कट कितने पे होता है। आई होप ऑटो कट हो जाना चाहिए भाई जल्दी, और जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि 200-250 किलोमीटर इसने कितना फ्यूल खाया होगा, अराउंड अराउंड भाई 20 के आसपास इसने खा लिया होगा, देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। डीजल अपना जा रहा है धड़ाधड़, और फिलहाल तो ऑटो कट हो गए, लेट्स सी ऑटो कट कितने पे होगा। ऑटो कट हो गया 14.7 लीटर पे, और अभी 4-5 लीटर हो रहा है तो वही 20 लीटर जो मैंने बोला था उसी के आसपास आएगा, तो ऊपर तक कर दो इसको बिल्कुल ऊपर तक। 20 लीटर भी नहीं आया ये, 17.44 आया है, और दिखा देता हूँ बिल्कुल ऊपर तक आया है ये, देखो बिल्कुल ऊपर तक है, दिख रहा है, तो बिल्कुल ऊपर तक आ गया है।
17.44 लीटर में जो है 278 किलोमीटर चली। अब देखते हैं क्या माइलेज है। इसके अंदर शो कर रहा था 16.5 की 278 किलोमीटर में, और अभी भी जो है ना इसका ये टैंक फुल क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को पता नहीं चला, जबकि ऊपर तक करा लिया अपन ने, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ये दिखाए। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 278 किलोमीटर चली है गाड़ी और 17.44 लीटर्स में, तो भाई 16 की माइलेज दे दी गाड़ी ने, और क्या चाहिए यार, बढ़िया माइलेज दी है। सो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी से भाई ये माइलेज मिल रही है, आई डोंट थिंक इट्स बैड, काफ़ी बढ़िया माइलेज है। और मैं बोलूँगा भाई ये 16 भी नहीं ना, आपने 14 भी निकाल ली, तो भाई इस इंजन के लिए जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। लोग जो है इससे नॉर्मली 10-12 निकालते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ना एक प्लेन हाईवे पे नहीं चलता, हर कोई जो है सिंगल टेक में नहीं चलता, और हर कोई इतनी प्यार से गाड़ी नहीं चलाता, वो होता है एक सबसे बड़ा रीजन। तो आपको भी यदि भाई सीखना है कि ज़्यादा माइलेज कैसे निकाले, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ, नीचे जो है नंबर आपको दिख जाएंगे, तो आप लोग जो है कॉल करके पूछ सकते हो हमारी टीम से। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।